Assalamu alaikum viewers, myself Fadrin, lecturer in chemistry. Like, share my videos and subscribe to my channel College Chemistry with Fad. आज आप सीखेंगे ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन. ग्राहम साइंटिस्ट ने 1881 में एक लॉ दिया गैसेस की डिफ्यूजन के हवाले से. डिफ्यूजन जो है वो स्प्रेडिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है या लिक्विड मॉलिक्यूल्स है थ्रू आउट दी कंटेनर. तो जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी है वो कंटिन्यूसली मोशन में होते हैं. इसी वजह से जैसे ही उनको ज़्यादा स्पेस मिलता है तो वो मूव होना शुरू हो जाते हैं. सो डिफ्यूजन इज द स्प्रेडिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स. जो हल्की गैसेस होती हैं वो ज़्यादा तेजी से मूव करती हैं बनिस्बत जो हेवियर गैस होती हैं जो भारी होती हैं. भारी और हल्की का मकसद ये है कि ऐसी गैसेस जिसका मॉलिक्यूलर मास कम होगा वो लाइटर गैस होगी और जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा वो हेवियर गैस होगी. सो लाइटर गैस मूव फास्टर देन द हेवियर वन. अब द स्टेटमेंट ऑफ ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन. ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की जो स्टेटमेंट है उसको आप आसानी से इस तरह से याद कर सकते हैं. जस्ट आप ये फार्मूला की जो रिप्रेजेंटेशन है इसको याद कर ले. R is the rate of diffusion and D is the density of gas at provided temperature and pressure. तो यहाँ पे जो R है rate of diffusion है वो inversely proportional है उल्टी निस्बत रखती है density से. तो इसको जब हम state करेंगे तो हम कहेंगे the rate of diffusion of gas is inversely proportional to the under root. इस symbol को under root या इसका square root कहा जाता है. So rate of diffusion of gas is inversely proportional to the under root or square root of density at provided temperature and pressure for both gases. जो दो gases हैं जिनकी rate of diffusion हम मालूम करना चाह रहे हैं तो उनके जो temperature और pressure होगा दोनों gases के लिए same रखेंगे. फिर दोनों का जो spread होने का जो rate है रफ्तार है वो हम मालूम करेंगे. रेट का मकसद ये होता है दी चेंज विद द टाइम के वक्त के साथ जो उसके अंदर क्या चेंजेस आ रही है कितनी चेंजेस आ रही है तो उसको हम रेट कहते हैं. तो यही जो सिंबलिक फॉर्म में है आर इज प्रोपोर्शनल मींस इनवर्सली. जब भी आर और प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हो और वन अपॉन में हो तो वो इनवर्सली. इनवर्स का मकसद है उल्टी निस्बत के एक पैरामीटर को बढ़ाएंगे तो दूसरा पैरामीटर कम हो जाएगा उल्टी निस्बत में है. और अगर यही चीज ऊपर लिखेंगे यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मींस कि उनकी आपस में जो निस्बत है वो सीधी निस्बत है. एक चीज को बढ़ाएंगे तो दूसरा पैरामीटर भी इंक्रीज होगा. नाउ द स्टेटमेंट द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट आर अंडर रूट ऑफ डेंसिटी एट प्रोवाइडेड टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर बोथ गैसेस. जो आपने सिर्फ ये रिप्रेजेंटेशन याद कर ली तो पूरी स्टेटमेंट वही आपकी हो जाएगी. Now, R is the rate of diffusion and D is the density of gas. अब इसकी डेरिवेशन जो है मैथमेटिकल फॉर्म में इसकी जो डेरिवेशन है फॉर टू गैसेस हम लिखेंगे. रेट ऑफ डिफ्यूजन अगर गैस वन के लिए है तो हम लिखेंगे R1 और डेंसिटी 1 लिख देंगे और अगर गैस टू के लिए है तो R2 और डेंसिटी 2 लिख लेंगे. होगी वही रिप्रेजेंटेशन. R को R1 लिख देंगे D1 लिख देंगे गैस ए के लिए और R2 D2 लिख देंगे गैस टू के लिए. अब प्रोपोर्शनलिटी की सिंबल को जब हम खत्म करते हैं तो उसकी जगह पे इक्वल की सिंबल देते हैं और उसके साथ एक कांस्टेंट जो है वो देते हैं. तो यहाँ पे हम प्रोपोर्शनलिटी की सिंबल खत्म करके इक्वल की सिंबल लगाएंगे और कांस्टेंट जो है K देंगे यहाँ पे. और इसी तरह से R2 में भी प्रोपोर्शनलिटी को सिंबल खत्म करके इक्वल की सिंबल देंगे और कांस्टेंट K देंगे. तो वही लिखा R1 is equal to K upon D1. प्रोपोर्शनलिटी खत्म हो गई उसको खत्म करके इक्वल दिया और कांस्टेंट दे दिया. अब उसके बाद कांस्टेंट को एक साइड पे रखेंगे बाकी पैरामीटर्स को दूसरी साइड ले आएंगे. डेंसिटी अंडर रूट डेंसिटी जो है डिवाइड में यहाँ पे ये इक्वल की दूसरी साइड पे आएगा तो ये डिवाइड वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा तो R1 अंडर रूट D1 बराबर हो जाएगा K के. और इसी तरह से अगर R2 हम मालूम करेंगे तो अंडर रूट डी टू डिवाइड में इधर आएगा तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हम लिखेंगे आर टू अंडर रूट डी टू और इज इक्वल टू कांस्टेंट के. यहाँ पे हमने कांस्टेंट को अलग कर दिया पैरामीटर्स को अलग कर लिए. उसके बाद अब ये भी कांस्टेंट के इक्वल है ये भी कांस्टेंट के इक्वल है तो हम कह सकते हैं दोनों इक्वेशंस कांस्टेंट्स के इक्वल है. तो उसका मकसद ये हुआ कि ये जो पूरी इक्वेशन है
आर वन अंडर रूट डी वन वो बराबर हो जाएगी अंडर रूट आर टू अंडर रूट डी टू के। तो हम लिखेंगे कि आर वन अंडर रूट डी वन इज इक्वल टू आर टू अंडर रूट डी टू। अब इसमें से रेट्स को अलग कर लेंगे, डेंसिटी को अलग कर लेंगे, तो आर टू इधर मल्टीप्लाई में है, इक्वल की दूसरी साइड आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई वाला इक्वल की दूसरी साइड आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, और अंडर रूट डी वन इधर मल्टीप्लाई में इक्वल की दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में, अंडर रूट डी टू डिवाइडेड बाय अंडर रूट डी वन, या हम इन दोनों के ऊपर होल अंडर रूट देके अंडर जो डी टू अपन डी वन लिख देंगे। तो इस तरह से ये इसकी इक्वेशन बन जाएगी ग्राम्स लॉ डिफ्यूजन की। अब इसमें ऐसे न्यूमेरिकल्स जिसमें डेंसिटी गिवन होगी तो उसके अंदर हम ये जो है इक्वेशन यूज करेंगे R1 और R2 मालूम करने के लिए, अंडर रूट डेंसिटी 2 डिवाइडेड बाय डेंसिटी 1। अब मासेस के हवाले से जो है वो किस तरह से इक्वेशन बनेगी उस पर डिस्कस करते हैं। अब डेंसिटी डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, जो गैसेस की डेंसिटी है वो सीधी निस्बत रखती है मॉलिक्यूलर मास से। अब किसी भी गैस का अगर एक मोल ले हम, एनी गैस एट एचटीपी मींस के स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे किसी गैस का एक मोल ले तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो 22.4 डीएम क्यूब होगा। तो गैस चेंज करने से इस वॉल्यूम पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, तो ये वॉल्यूम जो है वो एक कांस्टेंट प्रॉपर्टी कंसीडर की जाएगी, बाकी जो है डेंसिटी सीधी निस्बत रखेगी इस मॉलिक्यूलर मास से। तो हम इस डेंसिटी वाली वैल्यूज को इस इक्वेशन में इधर पुट करेंगे d2 और d1 में, r1 ओवर r2 इज इक्वल टू, अब डेंसिटी बराबर है m अपॉन v, d2 d2 के लिए लिखेंगे हम लिखेंगे m2 अपॉन v डिवाइडेड बाय, अब ये डेंसिटी 2 का हो गया, और इसी तरह से डेंसिटी 1 के लिए m1 अपॉन v लिखेंगे डिवाइडेड बाय m1 ओवर v, v से कैंसिल कर लेंगे क्योंकि वो चेंज नहीं होता वॉल्यूम किसी भी गैस का, कांस्टेंट कंसीडर किया जाता है, बाकी जो डेंसिटी है वो सीधी निस्बत रखती है मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस। इसमें से इक्वेशन बन जाएगी R1 ओवर R2 इज इक्वल टू अंडर रूट M2 ओवर M1। इसी तरह से ये दूसरी इक्वेशन बन गई कि अगर न्यूमेरिकल में गैसेस के मॉलिक्यूलर मास मालूम करना हो तो ये फॉलो करेंगे, या मॉलिक्यूलर मास गिवन हो रेट मालूम करना हो तो ये इक्वेशन फॉलो करेंगे, डेंसिटी वाली इक्वेशन फॉलो नहीं करेंगे। अब इसमें से मजीद एक और इक्वेशन बनती है टाइम के हवाले से, टाइम के हवाले से अगर पूछा जाए कि गैस ए जो है वो 10 सेकंड में उसके 20 डीएम क्यूब इवेपोरेट हो रहे हैं, अब गैस बी का टाइम कितना लगेगा उसको इवेपोरेट होने में या डिफ्यूज होने में, तो इसके लिए टाइम के हवाले से हम लिखते हैं कि जो रेट है चेंज अपॉन टाइम, जो रेट होता है चेंज अपॉन टाइम, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 1 ओवर टी टाइम। अब इक्वेशन जो होती है R1 अपन R2 इक्वेशन होती है, तो हम लिखेंगे R1 ओवर R2 इज इक्वल टू अंडर रूट M2 ओवर M1, R1 हो गया 1 अपन T1 डिवाइडेड बाय 1 अपन टाइम टू इज इक्वल टू अंडर रूट एम टू ओवर एम वन।
जब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे 1 अपॉन टी वन डिवाइडेड बाय 1 अपॉन टी टू, तो ये हो जाएगा टी टू ओवर टी वन इज इक्वल टू अंडर रूट एम टू ओवर। तो टाइम के हवाले से ये इक्वेशन यूज होगी, टी टू अपॉन टी वन इज इक्वल टू अंडर रूट मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस टू डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस वन, टाइम कंज्यूम फॉर गैस टू और टाइम कंज्यूम फॉर गैस वन। इस तरह से ये डिफरेंट इक्वेशंस आपने आज सीखी, यहीं पे ये टॉपिक खत्म होता है। मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कॉलेज केमिस्ट्री विद हर ब्लॉग।